जागो विक्रम, रोवर जागो प्रज्ञान। कुछ इसी प्रकार के वाक्य इसरो के वैज्ञानिक बोलते हुए नजर आ रहे थे। वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा था कि विक्रम रोवर और लैंडर वापस स्लीप मोड से कभी नहीं जागेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कमाल बहुत कम देखा जाता है। विक्रम लैंडर ने कर दिया है एक जबरदस्त कमाल, चांद की सतह पर रच दिया इतिहास। चांद की सतह पर दौड़ने लगा विक्रम रोवर। जी हाँ दोस्तों, चांद की सतह पर विक्रम रोवर और लैंडर दोनों स्लीप मोड में चले गए थे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यह दोनों ही दोबारा से जीवित हो गए हैं? दोस्तों, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। और तो और, चंद्रयान 3 फेल होने की जगह सक्सेस कैसे हो गया और इसके पीछे विक्रम रोवर का कमाल क्या हुआ, तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। दोस्तों, यदि आप भारत के सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि 14 जुलाई 2023 को भारत के चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग श्री हरिकोटा से किया गया। इसके बाद भारत का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरने से पहले चांद का एक महीने तक चारों ओर से चक्कर लगाए। चक्कर कंप्लीट होने के बाद जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करने के लिए तैयार हुआ, तब वहां एक अन्य विक्रम लैंडर देखने को मिला। यह शायद अमेरिका का विक्रम लैंडर था। जी हां दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 22 अगस्त 2023 को लैंडिंग कर ली। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के बाद वहां पर उपस्थित कई सारे रहस्यमय डाटा का एनालिसिस किया। इसके बाद उन डाटा को इसरो के पास भेजना जारी रखा। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद की सतह पर जब विक्रम रोवर और लैंडर दोनों उतरे थे, तब वहां चारों तरफ सूर्य के प्रकाश का रोशनी था। लेकिन जब 14 दिन गुजरा और चांद की सतह पर चारों ओर अंधेरा छा गया, जिस कारण इसरो के वैज्ञानिक ने यह सोचा कि विक्रम लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया जाए। यदि वह स्लीप मोड में रहेंगे तो उनको दोबारा से जीवित करने में आसानी होगी। लेकिन उनको स्लीप मोड में डालने के बाद, और तो और, चांद की सतह पर अंधेरा खत्म होने के बाद इसरो के वैज्ञानिक विक्रम रोवर और लैंडर को दोबारा जगाने में असमर्थ हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आखिरकार लैंडर और रोवर को दोबारा कैसे जगाया गया। दोस्तों, आओ अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चांद की सतह के ऊपर भारत से पहले चीन, रूस और अमेरिका, यह तीन देश पहले से ही चांद की सतह पर पहुंच चुके हैं। वहीं पर चांद की सतह पर अमेरिका का रोवर भी है, जिसके अंतर्गत भारत को चांद के साउथ पोल पर उपस्थित विक्रम लैंडर और रोवर से कनेक्शन साझा करने में सहायता मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में डालने के बाद जब चांद की सतह पर दोबारा से 14 दिन के लिए सूर्य का प्रकाश फैला, तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि विक्रम लैंडर और रोवर को हम दोबारा जगाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका। इसरो लगातार चांद के साउथ पोल पर सिग्नल भेजता रहा, लेकिन उससे कांटेक्ट साझा करने में असफल रहा। तभी इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक ने नासा के प्रमुख से बात की और उनको चंद्रयान 3 से संबंधित प्रत्येक जानकारी दे दी, और यह भी बताया कि चंद्रयान 3 के विक्रम रोवर और लैंडर से संपर्क साझा नहीं हो पा रहा है। यदि आप हमारी हेल्प करते हैं तो बहुत बड़ा शुक्रिया होगा। ऐसा सुनते ही नासा के प्रमुख ने फौरन चांद पर उपस्थित रोवर से कॉन्टेक्ट साझा किया और अपने रोवर को साउथ पोल के सतह पर सिग्नल भेजने का आदेश दिया। यह सुनते हुए अमेरिका के रोवर ने आज्ञा का पालन करते हुए चांद के साउथ पोल पर अपना सिग्नल भेजना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंतर्गत नासा के वैज्ञानिक कुछ घंटे बाद यह पाते हैं कि अमेरिका के रोवर से कोई एक वास्तु सिग्नल को कैच कर रही है। जब नासा के वैज्ञानिकों ने एनालिसिस किया तो उन्होंने पाया कि यह तो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और रोवर है। इस सिग्नल के मिलते ही नासा के वैज्ञानिकों ने इसरो से संबंधित बात की। इसके बाद इसरो ने इस सिग्नल को कनेक्ट कर एनालिसिस किया और बताया कि चांद की सतह पर उपस्थित चंद्रयान 3 का विक्रम रोवर था, जिससे कनेक्शन साझा हुआ है।
दोस्तों, इस कनेक्शन के मिलते ही इसरो ने यह प्रूफ कर दिया कि चांद के साउथ पोल पर उपस्थित विक्रम लैंडर और रोवर दोबारा से जाग गए हैं, और उन्होंने इस सपोर्ट के लिए नासा के प्रमुख को धन्यवाद कहा। जी हाँ दोस्तों, भारत का चंद्रयान ट्रेन सफलतापूर्वक चांद की सतह पर दोबारा उठ गया है और वह अपने कार्य में लग चुका है। यदि आप इसरो के इस सक्सेस मिशन से खुश हैं और आप एक सच्चे देशभक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।